आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा आठवीं वर्ष 2024-25 अध्याय दो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। यहाँ पर क्रमांक देखी गई घटना का नाम लिखा है, हाँ नहीं रंग कैसा था। देखिए पहला, ब्रेड रोटी पर फफूंद। देखिए ब्रेड या रोटी पर फफूंद लगा तो आप देखे होंगे, यहाँ पर आपको हाँ लिखना है। और फफूंद का कलर किस कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। फिर इसी प्रकार जूते पर फफूंद भी आप देखे होंगे, किस कलर का होता है, ये भी सफ़ेद कलर का। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, आपने देखा है, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे। और उसका कलर कैसा होता है, हरा। फिर इसके बाद चौथा, गर्मी में खाना खराब होना, क्या आपने देखा है, तो इसका उत्तर है हाँ। और रंग कैसा होता है, सफ़ेद। फिर इसके बाद देखिए ये क्या है, ये क्या है, सूक्ष्म जीव है, इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। फिर इसके बाद देखिए नीचे प्रश्न दिया है, निम्न में से बॉक्स में लिखो, जीवाणु पैरामीशियम शैवाल कवक प्रोटोजोआ ईस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए इनको हमको यहाँ पर बॉक्स में भरना है, तो पहले किसको भरेंगे, जीवाणु को, फिर शैवाल को, फिर कवक को, फिर प्रोटोजोआ को भरेंगे। ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो बॉक्स में भरने के बाद जो शब्द इनमें से शेष रह गए हैं उनको यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर हम पैरामीशियम ईस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन इनको लिख लेते हैं, इनके बारे में अपने विचार लिखना है। तो ये सभी क्या है, विषाणु वायरस हैं, और ये सभी क्या थे, सूक्ष्म जीव थे। फिर इसके बाद इसके विकल्प वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक एक, आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, इसका कारण है। देखिए इसका कारण क्या है, सूक्ष्म जीवों में जनन के कारण ऐसा होता है, तो हमारा बी वाला विकल्प इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद दूसरा, बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है। तो देखिए मलेरिया किसके कारण होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो हमारा सी वाला उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता, तो इसका सही उत्तर है बी, पौधों का सूखना। फिर इसके बाद चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है, कवक के कारण ऐसा होता है, तो हमारा सी वाला उत्तर सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर है सी, स्थिर रहती है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दो को देख लेते हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमको उचित खाली स्थान में भरना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध खाली स्थान होता है। तो देखिए
क्यों वह दूध संदूषित नहीं होता? क्योंकि वह पाश्चुरीकृत होता है, इसलिए वह संदूषित नहीं होता। तो आपको खाली स्थान में पाश्चुरीकृत भर लेना है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? प्रतिजैविक भर देना है दूसरे खाली स्थान में। फिर इसके बाद तीसरा, प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो देखिए, प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको किण्वन खाली स्थान में भर देना है। फिर इसके बाद चौथा, डेंगू के वायरस का वाहक खाली स्थान मच्छर है। तो देखिए, डेंगू वायरस, जो डेंगू बीमारी होती है, उसका वाहक कौन होता है? मादा एडीस मच्छर होता है। तो आपको खाली स्थान में मादा एडीस भर लेना है। फिर इसके बाद पांचवा, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है? संचरणीय रोग भर देना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। फिर इसका प्रश्न क्रमांक चार को देख लेते हैं। बूझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है या हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त कर देते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक पाँच को देख लेते हैं। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु वायरस द्वारा फैलने वाले रोग को छांटिए। तो देखिए, यहाँ पर हमको रोगों के नाम दिया है, हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है और कौन सा रोग विषाणु के कारण। तो देखिए, जीवाणु के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। विषाणु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा आदि। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक छः, पहला, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो देखिए, जो ये चित्र दिया हुआ है, यह चित्र किसका है? अमीबा का चित्र है। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। फिर इसके बाद दूसरा, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो इसका उत्तर है, यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, अतिसार एवं मलेरिया इस वर्ग से होने वाले रोग हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक सात को देख लेते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर है,
पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए, पहला, बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो देखिए, इसका उत्तर है, बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज एवं मादा एडीस मच्छर हो सकता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इसका उत्तर है, इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकल या इकट्ठा ना रहने देना। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 को देख लेते हैं। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूथ लिया। इस गूथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इससे संबंधित प्रश्न दिया है। पहला, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो इसका उत्तर है, 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, पहेली ने गूथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो इसका उत्तर है, गूथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर है, इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 को देख लेते हैं। हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए, अब देखिए, इससे संबंधित हमको प्रश्न दिए हुए हैं। आचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का आचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 को देख लेते हैं। आपके घरों में दादी, मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, हमारे घर में आम का आचार, आंवले का आचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं।
दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका उत्तर है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। फिर इसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एक नाइट्रोजन चक्र बना लेना है। यहाँ पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हम लिख लिए हैं। अब देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। फिर इसके बाद मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, इनका क्या होता है? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करके फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिर रहता है। फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है? इस चित्र को अच्छी तरह से बना लेना है अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में। अब इसके बाद आ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर आपको मानव रोगों का नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको रोग कारक क्या है उनका नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको संचरण का तरीका लिख लेना है। यहाँ पर आपको बचाव के उपाय लिख लेना है। तो देखिए पहला, क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और कहाँ पाया जाता है? यह वायु में। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। अब देखिए इसी प्रकार खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी किसके कारण होते हैं? वायरस, वायरस, वायरस के कारण। और ये सब कहाँ संरक्षित होते हैं? वायु में या फिर सीधे, और पोलियो जल में भी संरक्षित होता है। और इन सभी के लिए हमको क्या काम करना चाहिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को भी अलग रखना चाहिए। फिर देखिए जो हैजा और टाइफाइड है, ये दोनों जीवाणु के कारण होता है। और इनके संचरण कहाँ होते हैं? जल या भोजन में। अब देखिए इसके रोगी से किस प्रकार से बचाव करना चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। फिर इसके बाद आ जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 को देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों जैसे दवाइयाँ, अल्कोहल से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी आदि के उपयोग में लाए जाते हैं, जो कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं, जिनके कारण यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो बेकरी के कोई भी आइटम, ब्रेड या केक वगैरह हम नहीं बना सकते। तो यह कहीं पर सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप हैं तो कहीं पर वरदान भी हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं, प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। प्रोजेक्ट क्रमांक 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न,
क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो इसका उत्तर है, दोनों गमलों में से गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया है। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। फिर इसके बाद आ जाते हैं पांचवा प्रश्न, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? तो इसका उत्तर है, गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक दो को देख लेते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। अब देखिए कुछ प्रकार से तालिका दी हुई है, आप पैकेट बंद या डिब्बा बंद कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं, पहले उनका यहाँ पर नाम लिख लेंगे, जैसे तेल, आटा, मैगी, चिप्स, दाल। फिर देखिए पैकेट के निर्माण का दिनांक, वह सामग्री जो है किस दिनांक पर बनाई गई है, उसमें मैन्युफैक्चर का डेट क्या दिया हुआ है, उस डेट को आपको देख करके यहाँ पर लिखना है। पैकेट समाप्ति का दिनांक और उसके एक्सपायरी डेट को आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर इसके बाद देखिए भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम यहाँ पर लिखना है कि उनमें क्या पाया जाता है। तो देखिए तेल में प्रोटीन पाया जाता है, आटा में प्रोटीन, मैगी में कार्बोहाइड्रेट, चिप्स में वसा, दाल में प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसके बाद भोज्य पदार्थों में उपयोग, अब देखिए इनका नाम लिखना है। तो देखिए हमको तेल से क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, और आटा में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल, फिर मैगी में नाइट्रोजन, चिप्स में नाइट्रोजन, दाल में बेंजोइक अम्ल। तो कुछ इस तरह से आपको टेबल तैयार कर लेना है। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर नीचे पूछे गए हैं, पहला, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाएं कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो इसका उत्तर है, घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं लिखिए। तो इसका उत्तर है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर है, प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपने एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख चुके होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आपको हमारे चैनल का नाम दिखाई देगा, साथ ही आपको हमारे चैनल का लोगो भी दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा।
यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन पर आपको टच करना है, फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, नोटिफिकेशन में आपको ऑल के ऑप्शन पर टच करना है, वीडियो को आपको अवश्य लाइक करना है। यदि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं, उनकी भी मदद करना चाहते हैं, तो आप शेयर के ऑप्शन पर टच करके व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं, उनको वीडियो भेज सकते हैं। यदि आपको कक्षा 8 के किसी अन्य विषय की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्क्रिप्शन पर भी सभी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो वहां से भी टच करके आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे, समय पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में वीडियो प्राप्त हो जाएगी। साथ ही अब से कुछ देर बाद हम आपको चारों कोने पर 4 विषय के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक उपलब्ध करा देंगे, तो आपको जिस अध्याय की जिस विषय की वीडियो देखना हो आप टच करके वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।